आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। पितृपक्ष प्रारंभ होने पर प्रत्येक सतपुत्र को अपने दिवंगत माता पिता के लिए यह 6 विशेष बहुमूल्य कार्य अवश्य करने चाहिए। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। जो कुछ कहूँगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूँगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के पर कीजिएगा। पितृपक्ष महालय श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, आश्विन श्राद्ध, अर्थात कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक आश्विन पक्ष में जो 16 श्राद्ध आते पार्वण श्राद्ध, यह पितरों की प्रसन्नता के लिए विशेष माने जाते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के यह 16 दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की साधना के लिए, पितरों की भक्ति के लिए और उनके प्रति अपना श्रद्धा और विश्वास प्रकट करने के लिए यह विशेष और महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। इसलिए प्रत्येक सतपुत्र अपने दिवंगत माता पिता के लिए कुछ विशेष करने का प्रयास करता है। किंतु हम उस 16 श्राद्ध में विशेष क्या क्या करना चाहिए, आइए हम कुछ शास्त्रों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। पितृपक्ष प्रारंभ होने पर हमको प्रथम कार्य क्या करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। इन 16 श्राद्धों में प्रत्येक सतपुत्र को अन्न का दान अपने हाथों से अवश्य करना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा है, अन्न दानम महादानम भूतो न भविष्यति। अन्न दान जैसा महादान इस संसार के अंदर दूसरा कोई और नहीं है। इस संसार में पाप क्यों होता है, बोले जिसका पेट खाली हो। विभुक्षता किम न करोति पापम, भूखा इंसान क्या पाप नहीं करता। इसलिए भूखे को अन्न और प्यासे को जल दे देना ही सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए अपने इन हाथों से अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए अन्न का दान अवश्य कीजिए। ब्राह्मणों को दीजिए, अति उत्तम है। चींटियों को दीजिए, गाय को दीजिए, कुत्ता को दीजिए। यह अन्न दान आपके जीवन को सुयश से और सफल से भरने वाले होते हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए 16 श्राद्धों में यह प्रथम विशेष कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। इन 16 श्राद्धों में किया जाने वाला दूसरा कार्य है तर्पण। तर्पण का भावार्थ है तर्पयति, तर्पयंती, येन पितरं तत्तर्पणम्। जिस कर्म के द्वारा आपके पितर प्रसन्न हो, जिस कर्म के द्वारा आपके पितर तृप्त हो जाएं, उसे ही तर्पण कहते हैं। प्रत्येक सतपुत्र को जिसने जीते जी माँ बाप का सम्मान और माँ बाप की सेवा करी हो, ऐसे पुत्र को अपने माता पिता के मृत्युपरांत तर्पण अवश्य करना चाहिए। केवट की नाव में भगवान रामचंद्र जी चढ़े तो केवट ने राम जी की पूजा करी और पितर पार करी प्रभु ही पुनी। केवट ने भी भगवान रामचंद्र जी से अपने पितरों की मुक्ति का साधन मांगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, भगवान प्रसन्न तभी है जब आपके पितर प्रसन्न है। और पितरों की प्रसन्नता का दूसरा सबसे अच्छा साधन है तर्पण कीजिए। हो सके नित्य करें, नित्य ना हो तो अमावस के दिन करें। यदि अमावस को ना हो सके तो 16 श्राद्ध आने पर अवश्य करें, पितरों की तिथि पर करें, किंतु अपने पितरों के लिए तर्पण जलदान अवश्य कीजिएगा। यह दूसरा विशेष कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। 16 श्राद्धों में पितरों की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला तीसरा कार्य है रसोई घर की शुद्धता और चौखाट जो आपकी देली है उसकी नित्य पूजा। जी हाँ, 16 श्राद्ध लगने पर आपको ये दो विशेष कार्य अवश्य अपने मन में धारण कर लेने चाहिए। प्रथम तो यह धारण कर लीजिए, आपके घर की जो मेन चौखाट है, देली है, आप उसको शुद्ध करके रखेंगे। उसमें ध्यान दीजिएगा, आप नित्य प्रातः नहा धोकर उसमें गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए और जो जौ तिल होते हैं उसको अपनी देहली पर बिखेर दीजिए। एक पानी का लोटा अपनी देहली के बाहर किसी एक बाएं हाथ के किनारे पर अवश्य रख दीजिए। पितरों का आगमन देहली से होता है और देहली से होते हुए वो रसोई घर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अपनी जो रसोई घर है उस रसोई घर की पवित्रता सदैव बनाकर रखिए। 16 दिनों तक अपने घर की रसोई में कोई गलत खान पान ना हो, कोई तामसिक भोजन ना हो, लहसुन प्याज का दूर से ही परहेज कर दीजिए। कई लोग श्राद्ध तो करते हैं किंतु लहसुन प्याज का त्याग नहीं करते। 16 श्राद्धों में लहसुन प्याज का त्याग होना अत्यंत अनिवार्य है। तामसिक भोजन से जितना आप दूर रहें उतना अच्छा है, और ये मैं नहीं हमारा शास्त्र कहता है। देखिए, राजमाशा नणुश्चैवं
मसुरांश विसर्जयेत अलांबु ग्रज्जनम चैव पलांडुम पिंड मूलकम। विष्णु प्राण के अंतर्गत बताया गया है कि मलका, मसूर, मूली, पलांडुम अर्थात प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन जो भी हो आपने उसको दूर से ही त्याग कर देना। सीधा सा अर्थ है अपने रसोई घर की पवित्रता को बनाए रखिएगा। 16 श्राद्ध जब तक चले आपको रसोई घर में बिना नहाए धोए नहीं जाना चाहिए। जूठे बर्तन अपने रसोई घर में नहीं रखने चाहिए क्योंकि 16 दिनों तक आपके पितरों का वास आपके रसोई घर के अंदर रहता है। और साथ ही साथ जब भी आप अन्न बनाते हैं तो प्रथम जो रोटी है वो गाय को, कुत्ते के लिए आपने अवश्य देनी चाहिए। यह विशेष बात आपको 16 श्राद्धों में अवश्य धारण करनी चाहिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला चौथा कार्य है भागवत का पाठ, गीता जी का पाठ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ। भागवत जी का ही अंश है गजेंद्र मोक्ष, हो सके तो अपने पितरों के तारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य कीजिए। यदि संस्कृत पढ़ने में आपको असमर्थता है तो आप हिंदी में ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, गीता जी का पाठ कीजिए, भागवत जी का पाठ कीजिए। कानों में पढ़ते ही प्रीत का तारण हो जाता है, मरने वाला मुक्त हो जाता है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है इस गीता पाठ, भागवत पाठ, पितृ सूक्त का पाठ करने से, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पितृ दोष का समापन हो जाता है। कितना विशेष है, इसलिए हमारा शास्त्र कहता है श्लोकम श्लोकार्ध पादम वा युवन्ति भागवतम पठेत न तस्य पुनराकृति ब्रह्म लोकात् कदाचन। श्लोक हो, आधा श्लोक हो, अर्ध से भी अर्ध हो, आधे से भी आधा हो, यदि मरने वाला व्यक्ति सुन ले उसका तारण निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी प्रसन्नता का और कोई ठिकाना रहता है नहीं। जो अपने घर में गीता जी, भागवत जी, गजेंद्र मोक्ष, पितृ सूक्त का पाठ करता है, 16 श्राद्धों में यह चौथा विशेष कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। 16 श्राद्धों में किया जाने वाला पांचवा विशेष कार्य है अपने पितरों के निमित्त पितृ गायत्री का जप करना। यह विशेष है अवश्य कीजिएगा। अपने घर में जो आपकी दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में आपकी पितरों की फोटो होनी चाहिए। पितरों की फोटो को सदैव दक्षिण अर्थात नैवृत्य दिशा में ही रखना चाहिए और अपने पितरों की फोटो को दक्षिण दिशा में रखिए और बड़ी प्रेम पूर्वक 16 दिनों तक उनके लिए दीप दान कीजिए। पितरों के लिए जो दीप दान किया जाता है उसका मुख सदैव दक्षिण दिशा की ओर होता है। पितरों के लिए आप तिल का तेल का प्रयोग कीजिए, अत्यंत लाभप्रद रहता है। और दक्षिण दिशा की ओर आपने दीपक का मुख करना है क्योंकि दक्षिण दिशा में ही पितरों का वास है, दक्षिण दिशा में ही यम का वास है और दक्षिण दिशा में ही पितरों को दीपक का प्रकाश प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है प्रांग मुखो उदंग मुखम दीपम देवागारे द्विजाले कुर्याद याम्य मुखम पैत्रे अद्विही संकल्प्य सुस्थिरम। शास्त्र कहता है हम पितरों के निमित्त जो भी कार्य करते हैं उस समय हमारा मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और दीपक का मुख भी पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर ही करना चाहिए। इस प्रकार पितरों के निमित्त दीप दान करते हुए पितृ गायत्री का जप करें। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिव्य एव च नमः स्वधायै स्वहायै नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार आप पितरों के लिए पितृ गायत्री का जप एक माला में करें, दो माला में करें, तीन बार करें, चार बार करें, आपकी श्रद्धा पर आधारित रहता है। और छठवां बहुमूल्य और विशेष कार्य है वह है पीपल का रोपण। पीपल वृक्ष के निमित्त जाकर अपने पितरों के लिए तर्पण कीजिएगा। जी हाँ, अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु और जिसके घर में पितृ दोष है ऐसा भक्त जब सब कुछ करके थक गया हो तो वह भक्त प्रत्येक महालय श्राद्ध आने पर, यही 16 श्राद्ध आने पर एक पीपल का वृक्ष अवश्य रोपित करें और उस पीपल के वृक्ष में सदैव नित्य जल देकर आए जब तक वह खिल ना जाए। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपके घर का पितृ सदैव शांत रहेगा। पितरों की प्रसन्नता के लिए पीपल के वृक्ष का पूजन और पीपल के वृक्ष का रोपण यह अत्यंत और बहुमूल्य माना जाता है। और ये मैं नहीं, शास्त्र कहता, प्रमाण आप देख सकते हैं कि यो अश्वत्थम अर्चयेत् देव मुदकेन समन्ततः कुलानां युतं तेन तारितं नात्र संशयः
शास्त्र कहता है कि जो सतपुत्र अपने दिवंगत माता पिता हेतु पीपल के वृक्ष के जड़ में जल अर्पण करता है उसके कुल के कुल तर जाते हैं। इसलिए मैं आपसे अवश्य कहना चाहूंगा अपने दिवंगत माता पिता के लिए पीपल के वृक्ष में जाकर जल अर्पण अवश्य कीजिए। पीपल के वृक्ष में पितरों के निमित्त जलदान यदि हमने करना है तो पितृ तीर्थ बनाकर देना चाहिए। इस तरह से देखिए अंगूठे का अग्रभाग से लेकर मूल भाग तक का जो भाग है यह पितृ तीर्थ है। इस तरह से पितृ तीर्थ बनाकर पीपल के वृक्ष में अपने अंगूठे को स्पर्श करके एक लोटे में आप शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गंगा जल, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए गाय का, हो सके अच्छी बात है, उसमें काले तिल, जौ और सफेद पुष्प डालकर पीपल के वृक्ष में इस प्रकार अपना अंगूठा लगाकर ऊपर से जल की धार दीजिए। पिताजी नहीं है, पिताजी का नाम लीजिए और पिताजी का नाम लेकर उनके पीछे बोलिए तस्मै स्वधा नमः। दादाजी, दादाजी नहीं है, उनका नाम लेकर तस्मै स्वधा नमः जल देते रहिए। उसके उपरांत फिर आप अपनी माता के लिए, दादी के लिए, परदादी के लिए, यदि माता जी जीवित नहीं है उनका नाम लेकर आप कहिए तस्मै स्वधा नमः, अर्थात पुरुष जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए तस्मै स्वधा नमः और स्त्रियां जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए तस्मै स्वधा नमः, उनका नाम लेकर तस्मै स्वधा नमः और अपने पिताजी दादाजी का नाम लेके तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार से आपने विधिवत पूर्वक अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए पीपल के वृक्ष की जड़ के पास। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि हम अपने पितरों के निमित्त यह छह विशेष यदि उपाय करें हमारे पितरों का आशीर्वाद आशीष सदैव हमारे पर बना रहता है। जीते जी माँ बाप का सम्मान कीजिए, उनके प्रति प्रेम कीजिए और उनके मृत्यु होने के तदुपरांत शास्त्र विदित बहुमूल्य कार्यों को अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।